आज हम बात करेंगे कि विक्टर की टॉर्च में आपको कौन इसको कैसे आपने इसको रिप्लेस करना है। तो इसके लिए आपको तीन चीज़ें दरकार हैं, एलन की ग्रिप प्लायर और एक 17 मिलीमीटर का एक ओपन एंडेड स्पेंडर या रिंग स्पेंडर। ये है आपके सामने विक्टर की गैस वेल्डिंग टॉर्च। तो सबसे पहले हम एलन की का इस्तेमाल करते हुए इस स्क्रू को खोलेंगे। सबसे पहले छोटी वाली साइड लगाएंगे ताकि टॉर्क ज़्यादा मिले, लीवर ज़्यादा लंबा जितना होगा उतना ज़्यादा हमें टॉर्क मिलेगा। उसके बाद जैसे लूज इन हो जाए तो हम फिर लंबी साइड से लगा के ताकि जल्दी जल्दी वो खुल जाए। इस स्क्रू में एक स्क्रू है और एक उसके साथ एक वॉशर साथ लगी हुई होती है, जो आप देख सकते होंगे। ये जनाब ये है वॉशर जो इसके साथ लगी होगी, स्क्रू के साथ कट वॉशर या ओके। इसको साइड में रखेंगे। अब इसके ऊपर एक हेक्सागोनल नट के ऊपर दोनों को कपल किया हुआ एक स्ट्रिप मिलेगी। ये बेसिकली इसीलिए है कि ये दोनों बिल्कुल परफेक्टली एक फिक्स पोजीशन पे जाके फिट हो सके। ओके, जैसे ही हम ये निकाल लेंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे दोनों, आपको नट विजिबल हो जाएंगे। जो राइट वाला है इसके अंदर नॉचेज हैं, ये बेसिकली एसिटिलीन या जो फ्यूल गैस है उसका फ्लैशबैक अरेस्टर होगा। तो चूंकि ये नॉच्ड है और ये फ्यूल गैस के लिए है तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेडेड होगा। ये ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन के कोई भी इक्विपमेंट होगा टॉर्च के अंदर लगा हुआ वो राइट हैंड थ्रेडेड होगा, जबकि जो फ्यूल गैस का जो होगा कोई भी पार्ट हो गैस वेल्डिंग का वो हमेशा लेफ्ट हैंड थ्रेडेड होगा। अब लेफ्ट हैंड थ्रेड का मतलब होगा कि वो राइट साइड पे जो आम जो नट है उसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा। तो सबसे पहले हम ग्रिप प्लायर के ज़रिए इसको लॉक करेंगे और उसके अपोजिट हम फोर्स लगाएंगे नट के खुलने के लिए। अब क्योंकि ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड थ्रेडेड है तो ये जिस तरीके से हम टाइट करते हैं वैसे जो खुल रहा है राइट साइड, हम जब क्लॉकवाइज इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये खुल रहा है बेसिकली, चूँकि ये एसिटिलीन या फ्यूल गैस का फ्लैशबैक। ये आप देख सकते हैं ये होता है फ्लैशबैक अरेस्टर। तो दूसरे का भी बिल्कुल इसी तरीके से ही खुलेगा, कोई अलग चीज़ नहीं है, तो दूसरे का अलग से खोलने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये होता है फ्लैशबैक अरेस्टर, जिसका काम होता है गैस सिलेंडर के अंदर कोई स्पार्क अगर पैक कर जाए, फ्लैशबैक मार जाए, वो अंदर की तरफ इसको इस चिंगारी लेके जाए, तो उसको ये चीज़ कम्प्लीटली बुझा देगी। अब चूँकि टॉर्च में लगी हुई है तो इसको यहीं पर बुझा देगी। अब इसको वापसी फिट करने के लिए या अगर ये ख़राब हो जाए, आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, इसको एक्सपायरी हो गई है आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, तो सेम तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्लैशबैक अरेस्टर को लगाएंगे। जैसे फिट किया, अब इसमें थोड़ी सी महारत इस सेंस में दरकार है कि हमें वो वॉशर लगानी है जो लेफ़्ट में आप बिल्कुल राइट लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे देख रहे होंगे कि जो दोनों को कपल करती है। अब इनमें से एक भी नट अगर थोड़ा सा आगे पीछे टाइट हुआ तो ये वॉशर बैठेगी नहीं। अभी आप देख रहे होंगे कि इसी वॉशर बैठी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वंस ये एडजस्ट प्रॉपरली होगा ही उसी टाइम ही ये आराम से बैठ जाएगा। सो अगेन एडजस्टमेंट दरकार है। अभी भी थोड़ी नहीं बैठ रही है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट दरकार है इसको। फ्लैशबैक अरेस्टर्स बेसिकली एक इक्विपमेंट हैं जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं। जब ये देखें आप भी परफेक्टली ये बैठ गया, थोड़ा सा स्लाइटली इसको उल्टा घुमाएं तो ये बैठ गया। तो फ्लैशबैक अरेस्टर बेसिकली डिवाइस हैं जो कि फ्लैशबैक को रोकते हैं, अरेस्ट करते हैं, उसको पकड़ते हैं। फ्लैशबैक क्या होता है, जब गैस के जो टॉर्च है गैस वेल्डिंग टॉर्च उसके नोज़ल के अंदर अगर फ्लेम पीछे की तरफ
ट्रैवल करना शुरू कर दे और सिलेंडर की तरफ जाना शुरू कर दे और खुदा ना खास्ता अगर सिलेंडर में चिंगारी चली जाए तो वो ब्लास्ट कर सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। तो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गैस वेल्डिंग टॉर्च में या सिलेंडर के रेगुलेटर के साथ गैस पैक एस्टर लगाया जाता है। तो आप फाइनली देख रहे होंगे कि इसमें हम अब स्क्रू को वापसी फिट कर रहे होंगे। एक ही स्क्रू है जिस इस चीज़ को जो कपल कर रही है वॉशर, इसको वो लॉक कर रहा है। बहुत ही आसान, जस्ट आप इसने टॉर्च हमने सिस्टम से अलग किया, उसके बाद जस्ट 3 टूल दरकार होंगे।